हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा जी भी इस वक्त बने हुए हैं। एके मिश्रा साहब, आपने एक एक मिनट सभी नेताओं को सुना, आपकी क्या एनालिसिस अभी तक निकलकर सामने आती है इस यात्रा को लेकर? देखिए, कांग्रेस के लिए ये एक बहुत ऐतिहासिक मौका था, भारत जोड़ो यात्रा। बाद में हम और इस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि ठीक है, कन्याकुमारी से शुरू करके पहले ये भारत जोड़ो यात्रा थी। दिल्ली आते आते सारे समाचार चैनलों को, न्यूज को देखने के बाद मुझे ये लगा ये भारत जोड़ो यात्रा के जगह बल्कि ये था कि दिल्ली की गद्दी छोड़ो यात्रा दिल्ली में परिवर्तित हो गई। यूपी में घुसने के पहले सारे विपक्षी दलों को न्योता देने का मतलब, या मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यूपी आते आते ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा से हट करके विपक्ष जोड़ो की यात्रा बनती चली जा रही है। 3000 किलोमीटर तक अगर आपने किसी विपक्ष को पूछा नहीं, कभी जिक्र नहीं किया, पूरे हिंदुस्तान को मजा बांटते हुए देते हुए राहुल गांधी ने 3000 किलोमीटर की यात्रा की, तो ऐसे क्या रीजन है कि यूपी में आकर के सारे विपक्ष को जोड़ने की बात इनको यहाँ पे एकाएक इनके दिमाग में आ गई, इनोवेशन आ गया। तो ये बहुत दूर तक जाने वाली बात है और इसको बहुत बहुत चिंतन करने वाली बात है, जो डिबेट के अगले खंड में हम करेंगे। प्राइमा फेसी मुझे ये लगता है यूपी में घुसने के पहले ही भारत जोड़ो यात्रा परिवर्तित हो गई किसमें? विपक्ष जोड़ो। अब राजनीतिक मंशा सामने आने लगी है। भारत की एकता और अखंडता जो थी वो अभी खत्म हो गई, अब इस यात्रा से राजनीतिक मंशा क्लियर हो गई है कांग्रेस की।